हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कुलवीर सिंह। अज आपां गल करांगे जदों छोटियां बच्चियां नूं मेंसेस स्टार्ट हुंदे ने तां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहीदा, मां नूं किस चीज़ नूं लैके पैनिक नहीं होना चाहीदा, आपां उहदे बारे च गल करांगे जदों छोटी बच्ची नूं मेंसेस स्टार्ट हुंदे ने उदों। सब तो पहला तां की है वी जिहड़े जदों मेंसेस स्टार्ट हुंदे ने तां की हुंदा है, मेंसेस आ गए तां फिर दो तीन महीने लई कई वारी मेंसेस नहीं आउंदे छोटी बच्ची नूं। मदरस ने जी बहुत पैनिक हो जाए ने भी पता नहीं मेरी बच्ची पी सी ओ डी हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट को लेके जाए ने जा किसी डॉक्टर दिखादियां ने भी इनू की प्रॉब्लम है। ये बारे जो आप गल करनी भी इनू लैके ज़्यादा वरीड नहीं होना आपने, क्योंकि जोड़े मैंसस पहला स्टार्ट होंगे सके 13 साल की उम्र चाह कहे स्टार्ट होंगे सके, हूँ जी एज है वह 9 साल की बच्ची भी मैंसस स्टार्ट हो जाते हैं। इनू आप मैनार्च ही कहने जो मैंसस स्टार्ट होंगे ने, जदों भी मैंसस स्टार्ट होंदे ने जिहड़ी भी एज तां उहनूं 2 साल घट्टो घट्ट शरीर के अंदर हारमोनस सैटअप होण नूं ते बॉडी नूं डिवैलप होण नूं 2 साल इस प्रोसैस नूं लग जांदे ने। इस करके जे 2 साल के अंदर मैंसस अप एंड डाउन हो रहे ने तां उहदे च वरी करन दी लोड़ नहीं, बिल्कुल ही चिंता करन दी लोड़ नहीं। कोई पी सी ओ डी नहीं हो रही, कोई पी सी एस नहीं हो रही, इस करके कोई टेंशन करन दी लोड़ नहीं। सपोज़ करो जे किसी बच्ची नूं मैंसेज 9 साल की उम्र स्टार्ट होए ने तां उहनूं 11 साल तक मैंसेज अप एंड डाउन होंदे रहणगे। इस तरह जे 10 साल की बच्ची नूं मैंसेज स्टार्ट होए ने तां 12 साल की एज तक वो अप एंड डाउन हो सकते हैं, जे 11 साल की स्टार्ट होए ने तां 13 साल की उम्र तक वो मैंसेज ने जिहड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं। इत्थे वरी नहीं करना, तो ध्यान की रखना माँ ने वो ये ध्यान रखना भी बच्ची है जी अनीमिक ना हो, जो एच बी है वह घट ना हो, खून पूरा रहे, क्योंकि जदों खून घट हों कई बार मैंसस प्रॉब्लम आदि ने। इस करके अपने सिर्फ तो सिर्फ इतने वह जो लाइफ स्टाइल हैल्दी रखना, उन्होंने डाइट वधिया देनी, अनीमिक नहीं होने देना, बस इन्ना ध्यान रखना। हुण मदर ने टेंशन कित्थे करनी है, चिंता कित्थे करनी है, वह हैगा जे बच्ची की उम्र 16 साल की हो गई है तो उन्होंने मैंसस 3 महीने नहीं आए जां 6 महीने नहीं आए, मैंसस इरेगुलर हो जाते हैं, तो उत्थे मदर ने ध्यान रखना। सब तो पहला तो यह देखना मदर ने भी वह जो वजन है वह किन्ना क है, जो बॉडी वेट है ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए बच्ची, क्योंकि जी मैंसस प्रॉब्लम ज़्यादा आती है 80% जिहड़ियां बच्चियां होंदियां उन्हां दी जिहड़ा वेट है वह नॉर्मल नालों ज़्यादा होंदा, मतलब वो हैल्दी कह लिए जां ओबेसिटी दियां शिकार होंदियां ने, तो यह 80% दे विच देखिया गया। लेकिन जिहड़ा 10-20% जिहड़ियां बच्चियां दा वेट है बॉडी वेट जिन्ना होना चाहिए उस तो घट है, भाव वो बहुत पतलियां ने कमजोर ने, उन्हां दे विच भी जिहड़ा मैंसस की प्रॉब्लम देखी जाती है। इस करके पहला तो मदर ने इस चीज़ पर ध्यान देना भी बच्ची का जिहड़ा वेट है वह सही हो, हैल्दी होवे, नॉर्मल होवे, चाहे वह ज़्यादा तो घट किया जाए, जो घाटा तो वह पूरा किया जाए। तो इस अलावा इतने भी आपां ध्यान रखना जो बच्ची 16 साल तो भी उपर हो गई तो वह अनीमिक ना हो, जो एच बी लैवल वह सही रहे, कि मैंसेज जोड़े सही आन। होर मदर ने की ध्यान देना भी वो की चेंजेज आ रही ने, कि वो मूँह के बाल तो नहीं आ रहे, कते उहदे फिंसियां तां नहीं हो रही, जिहड़ी उहदी स्किन आ ग्रीसी तां नहीं हो रही, ज़्यादा ऑयली तां नहीं हो रही, तो उहदे जिहड़े सिर दे वाल ने उह घट तां नहीं रहे, झड़ तां नहीं रहे, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। तो दूजा यह ध्यान रखना भी जिहड़ा मूड आ उह जल्दी जल्दी चेंज तां नहीं हो जांदा, स्विंग तां नहीं करदा उहदा मूड, तो कितें डिप्रैशन तां नहीं जा रही। जे ये चीज़ां हो रही ने तो मदर नूं डॉक्टर नूं चैक कराना चाहिए, चाहे किसी गायनेकोलॉजिस्ट नूं चैक कराओ, चाहे तुसीं होम्योपैथी नूं प्रैफर करते हो, होम्योपैथिक मैडिसिन लो, इत्थे डॉक्टर नूं चैक कराना जरूरी है, क्योंकि यह कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर डॉक्टर उत्थे चैक करके वो ब्लड टैसट करे, हारमोन टैसट भी किए जा सकते, ईवन वो अल्ट्रासाउंड भी कराई जा सकती है, डायग्नोस करने लिए भी की प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार की होंगे जो है बच्ची के थायरॉयड की प्रॉब्लम हो सकती है, थायरॉयड डिटेक्ट करना पैंदा, जां कई बार प्रोलैक्टन हारमोन होंदा उहदे करके प्रॉब्लम आ सकती है, जां कई बार पी सी ओ डी भी हो सकती है। तो पी सी ओ डी के फिर यह देखना पैंता भी कितने जी इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम तो नहीं, कितने बच्चा डायबिटिक तो नहीं, तो इस अलावा वो अल्ट्रासाउंड भी कराई जाती है, क्योंकि कई बार की होंगे 20-21 साल की उम्र के छोटियां बच्चिया के भी यूटरस के गठ जां रसौली बन जाती है, कई बार ओवरी के सिस्ट बन जाता है, कितने वो प्रॉब्लम तो नहीं, जि जिस तरह की कोई प्रॉब्लम उस तरह का वह ट्रीटमेंट प्लैन किया जाता है एलोपैथी के। मदर ने ध्यान रखना वह बॉडी वेट का, तो डाइट का, तो अनीमिक नहीं होना, यह मदर की ड्यूटी होगी भी मदर इस चीज़ पर ध्यान रखे। तो डॉक्टर ने की अपना ट्रीटमेंट करना, जो आप होम्योपैथी जी जाने तो होम्योपैथी के होंगे सिमटम बेस है, पेशेंट की डिटेल हिस्टरी ली जाऊगी, जो उन्होंने कोई प्रॉब्लम हैगी जिदे भी जो सिमटम्स है जी मैडिसिन मैच करेगी वो मैडिसन देवे, तो वह चाहे पी सी ओ डी है चाहे किसी होर प्रॉब्लम करके जोड़े
ਮੈਂਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸੀ ਓ ਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ 10 ਬੱਚੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀ ਸੀ ਓ ਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਮਟਮ ਬੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਮੈਂਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਦਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।